हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 5 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पॉपुलर 5G स्मार्टफोन्स बताऊंगा अंडर ₹15,000। दोस्तों अगर आपको इस टाइम पर 15,000 के अराउंड एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है या फिर बाय करने का फ्यूचर प्लान कर रहे हो, आप ज्यादा डिस्प्ले कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो, व्लॉगिंग वीडियो शूट रील्स या फिर शॉर्ट्स क्रिएट करते हो, हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो या फिर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन बाय करना है, देन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली किस फोन को बाय करना चाहिए। बिकॉज इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के टॉप 5 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो अलग अलग यूज को टारगेट करते हैं। बट गाइस अगर आपको ये वीडियो कहीं पर ही पसंद आए प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की जो आता है मेरी लिस्ट में रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 65G। ये सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.43 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद इनसाइड पंचोल। 90Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एंड 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले अच्छा खासा दिया गया, टॉप कॉन्टेंट क्वालिटी मिलेगी, बट हाँ गेमिंग के लिए 120Hz होता तो ज्यादा बेटर होता। बैक साइड में वेगन लेदर डिजाइन मिलेगा जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं है तो आप इसके सेकंड वेरिएंट के साथ जा सकते हो जो पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ आता है विद ग्लॉसीनेस, और फ्रेम प्लास्टिक का मिलता है बॉक्सी टाइप। एंड बैक में ही आपको सर्कल फॉर्म में राउंडेड कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जिसमें दो कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 64MP का होगा, साथ में 2 का पोर्ट्रेट लेंस मिलता है जो कि यूजलेस लेंस है बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी जिसमें नाइट मोड का फीचर भी मिलता है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से फुल HD मींस 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 6020 जो 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 4 लाख के अराउंड स्कोर आता है जो मीडियम सेटिंग्स पर आपको अच्छी खासी गेमिंग करा देगा। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि रियलमी UI 4.0 पर बेस्ड है, और LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। एक सिम एक SD कार्ड या फिर 2 सिम एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक और सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की एक्चुअल प्राइस है 14,15,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा 5 Pro 5G। टेक्नो ने अब की बार इस फोन के अंदर काफी अच्छा काम किया है। एक तो आपको स्पेक्स जबरदस्त मिलते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, ऊपर से डिजाइन भी आपको काफी यूनिक मिलता है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.78 इंचेस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240Hz का TSR एंड 580Nits ब्राइटनेस मिलती है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद ग्लॉसीनेस, साथ ही साथ 3D टेक्सचर शेप मिलता है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है, और इसको यूनिक बनाने के लिए ट्रायंगल शेप LED लाइट्स मिल जाती हैं जिनको खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो मल्टीपल कलर्स में। ओवरऑल डिजाइन आपको काफी यूनिक मिलता है। इस फोन के अंदर डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में AI लेंस मिलेगा बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 60fps मतलब 2K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है। इस के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 6080 जो एक 6nm CPU है क्लोज टू Snapdragon 695। आप इसको Snapdragon 4 Gen 1 के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। 4 लाख के अराउंड स्कोर आता है, मीडियम सेटिंग्स पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। इसमें Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि टेक्नो के हाई OS 13 पर बेस्ड है। 10 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। LPDDR4X RAM और UMCP स्टोरेज टाइप मिलेगा जो बेसिकली UFS 2.1 से बेटर होता है, और इसमें विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलता है। यहां पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा IPX2 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm जैक भी मिलता है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की एक्चुअल प्राइस है 14,99,000, बट इसका जो 8+256GB वेरिएंट है उसको आप इंक्लूडिंग कूपन डिस्काउंट 15,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। ये सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंट्रिक फोन है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू के साथ साथ कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए देन इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको काफी क्लीन सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर मिलेगा। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.5 इंचेस फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच। 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास
5 की प्रोटेक्शन एंड 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास मिलेगी, बट सनली इसमें आप HDR और 4K कंटेंट प्ले नहीं कर सकते। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रावाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड फ्रंट कैमरे से फुल HD मींस 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट कैमरा क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है सैमसंग के खुद का एग्जिनोस 1280 जो ओनली 5nm टेक्नोलॉजी बेस्ड CPU है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। इसका अंतत स्कोर 500,000 के अराउंड आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 30fps ऑप्शन भी मिलेगा। डे टू डे यूजेज में अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि 1 UI 5.1 पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। 4 साल तक OS अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3.5mm जैक, नॉक सिक्योरिटी, सिंगल स्पीकर और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। एक सिम SD कार्ड या फिर 2 सिम एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है ओनली 12,999, बट इसका जो 6 प्लस 128GB वेरिएंट है उसको आप विदाउट एनी ऑफर 14,500 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, Moto G54 5G। ये एक दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर फोन है इन दिस सेगमेंट। अगर आपको क्लीन UI, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ साथ टॉप नॉच गेमिंग करनी है, देन इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.55 इंचेस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन, 580Hz ब्राइटनेस, 240Hz का TSR मतलब टच सैंपलिंग रेट और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। रियर साइड में PMMA बैक मिलता है जो बेसिकली पॉलीकार्बोनेट ही होता है विद मैट फिनिश जो 3D एक्रेलिक ग्लास के साथ आता है। इस फोन में आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रावाइड मिलता है। बट यहां पर अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी यूजलेस लेंसेज, डेप्थ और माइक्रो नहीं मिलेंगे। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस गया MediaTek Dimensity 7020 जो इसका सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग फीचर है और इस CPU के साथ आने वाला ये इंडियाज फर्स्ट फोन है। 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका अंतत स्कोर 4,75,000 प्लस आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MyUX यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड हाइपर इंजन मोड भी मिलता है जो गेमिंग के लिए यूजफुल होता है। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट एंड IP52 की रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की एक्चुअल प्राइस है 13,999, सिर्फ 14,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है अगेन सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। ये सैमसंग का एकदम न्यू लेटेस्ट फोन है, जस्ट लॉन्च हुआ है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.55 इंचेस फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच। 90Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एंड 800Hz पीक ब्राइटनेस मिलती है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश और ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 5 का अल्ट्रावाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको अल्ट्रावाइड भी दिया गया है जो कि बजट के अंदर इस टाइम पर जनरली देखने को नहीं मिलता है। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 6100 प्लस जो 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। लेटेस्ट एंड काफी स्टेबल CPU है। 4,00,000 के अराउंड स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो 40fps ऑप्शन के साथ। 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है और इसमें एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि 1 UI 6.1 पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है एंड 4 साल तक OS अपडेट्स भी मिलेंगे। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। इसके अलावा 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर मिलता है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है ओनली 12,999, बट इसका जो 6 प्लस 128GB वेरिएंट है उसको आप विदाउट एनी ऑफर 14,500 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
तो वैसे ये थे टॉप वंस अंडर 15 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।